नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार काकानी। आपको इंजीनियरिंग लाइन में जो टूल्स काम में आते हैं उसके बारे में अपन पहले फर्स्ट पार्ट इसका देखा था। उनमें अपन ने दो प्रकार के टूल्स देखे थे, मेजरिंग टूल्स और मार्किंग टूल्स। आज अपन देखेंगे कटिंग टूल्स और असेंबली टूल्स, क्योंकि अपने शॉप में जनरल जो फिटिंग शॉप है उसके अंदर जो काम आने वाले टूल कटिंग टूल्स और असेंबली टूल्स कौन कौन से हैं उसको अपन फिजिकली भी देखेंगे और समझेंगे भी। तो उसमें काम आने वाला जो अपने जो कटिंग टूल्स हैं वो है, पहला जो है देखें तो फाइल। फाइल्स जो है कई प्रकार की होती है, शेप के हिसाब से अपने फाइलों को अगर क्लासिफिकेशन करें तो फ्लैट फाइल है, राउंड फाइल है, हाफ राउंड और ट्राइंगुलर, शेप के हिसाब से अपने लिए है। इसी प्रकार अपने कट के हिसाब से भी हो सकती है। तो अपन शेप के हिसाब से अपने फाइलों को देखें तो फ्लैट फाइल है और ट्राइंगुलर है। उसमें होता है कि एक फाइल अपन दिखा देते हैं कि जैसे फ्लैट फाइल है, इसके अंदर आपका ये फ्लैट रहता है, पूरा फेस क्या रहता है, फ्लैट रहता है। ये फ्लैट फाइल होगी आपका, काम क्या करती है, ये आपको जो भी जॉब है, कार्यखंड है, उसमें आपको उसका साइज अगर सेट करना है, साइज अपने मेंटेन करना है तो उसको घिसने के काम में आता है। तो ये आपका एक कटिंग टूल है। इसके क्लासिफिकेशन में अगर और जाए अपन डीपली जाए तो जो क्लासिफिकेशन अपन लें, ये तो अपने लिया अपने साइज के हिसाब से या शेप के हिसाब से। फिर आप साइज के हिसाब से आता है कि उसमें साइज के हिसाब से जो आता है लेंथ, भाई लंबाई कितनी कितनी है, तो लंबाई के हिसाब से 6 इंची है, 8 इंची है, 10 इंची है, वो आपके लेंथ के हिसाब से हो जाता है। और शेप के हिसाब से अपन देखे थे अभी, जैसे अपन ने एक तो फ्लैट फाइल देखी थी, बाकी ट्रायंगुलर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल में क्या होता है, शेप उसका ट्रायंगल के जैसा होता है। ये आपका ट्रायंगुलर फाइल यहाँ दिखाया हुआ है, ये ट्रायंगुलर फाइल का शेप दिखाया हुआ है। ये आपका फ्लैट फाइल जो अभी ऊपर ने देखी थी, ये अच्छा एक होती है आपका राउंड, राउंड फाइल, जैसे ये आपका राउंड पार्ट है, ऐसी ही राउंड फाइल होती है। एक होती है हाफ राउंड, हाफ राउंड में वो हाफ राउंड होती है, अर्धवृत्ताकार फाइल होती है, उसमें आधा पार्ट आपका वृत्ताकार होता है, आधा नहीं होता है, तो वो हाफ राउंड फाइल है। शेप के हिसाब से ये फाइलें हो जाएगी। उसके बाद अपन चले तो कट के हिसाब से, कट के हिसाब से जो फाइल होती है वो अपन लें तो सिंगल कट, सिंगल कट में जो है दांते एक तरफ होते हैं, जैसे इसमें ये तो है अपना, ये जो अपन इसमें देखें तो यहाँ ये सिंगल कट चल रही है, ये आपकी जो है फाइल, यहाँ आपके सिंगल कट है जिसमें दांते एक साइड से होते हैं वो सिंगल कट, और जिसमें कटिंग के दांते दोनों तरफ होते हैं जैसे अपन देखें ये डबल कट है, इसमें दांते यो भी जा रहे हैं और यो भी आ रहे हैं, तो ये आपका डबल कट फाइल है, जिसमें सिंगल दांत एक साइड से दांते चलते हैं वो सिंगल कट फाइल, और जिसमें दोनों तरफ से दांते आते हैं वो डबल कट फाइल होती है। सर्कुलर फाइल, जिसमें सर्कुलर के शेप में आपके दांते कटे हुए होते हैं वो सर्कुलर फाइल। इसी प्रकार ये रास्प कट, ये कहलाती है रास्प कट फाइल, जो बहुत ही जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनमें जो ज्यादा मटेरियल निकालना होता है आपको, तो उसके लिए अपन रास्प कट फाइल अपन काम में लेते हैं। तो ये अपन फाइलें हैं, लगभग अपन देखा कि फाइलें ये फाइल्स हैं जो अपन ने नॉर्मली अपन शॉप फ्लोर पे काम में लेते हैं, यहाँ हैंडल लगा रहता है, और फाइल से जब वर्किंग करते हैं तो आपका जो है जो लोहा घिसता है, जो भी चीज घिसती है वो बाहर की तरफ आगे की तरफ जानी चाहिए, पीछे नहीं आनी चाहिए। सर स्क्रेपर्स, जो आपका जो सरफेस बन गई है या जो इसमें सरफेस में कोई अगर उभार आ रखा है या कोई जो पार्ट आपका उभरा हुआ है उसको अपने कटिंग करना होता है, छीलना होता है, उसके लिए अपने स्क्रेपर्स काम में लेते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये फ्लैट स्क्रेपर है, ये हुक स्क्रेपर है, हाफ राउंड है। स्क्रेपर जब मेरे पास अवेलेबल होंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये ट्रायंगुलर स्क्रेपर है, डबल हैंडल स्क्रेपर है, ये स्क्रेपर से आपके काम में आते हैं। स्क्रेपर के बाद में आपके हैं सीजर, सीजर, सीजर भी कई प्रकार का होता है, सीजर भी आपके कई प्रकार की होती है। मैं एक सीजर आपको दिखा रहा हूँ, फ्लैट सीजर, ये आपका कौन सा है, फ्लैट सीजर, ये एंगल, ये जो चीज है इसके अंदर सीजर के अंदर, ये जो है एंगल कहलाता है, कटिंग एंगल कहलाता है। ये जो आगे एंगल दिख रहा है आपको सामने का, ये कटिंग एंगल कहलाता है। और इसके साथ में इस रिलीफ एंगल भी होता है, जो इसको जो कटिंग करते टाइम में उसको विश्राम देता है या रिलीफ देता है, वो रिलीफ एंगल कहलाता है। सीजर कई प्रकार की है, टाइप्स ऑफ में अपन देखते हैं तो फ्लैट सीजर है, फ्लैट सीजर के बाद में अपन देखें तो क्रॉस कट सीजर है, डायमंड सीजर है, डायमंड का शेप इसका होता है, और ये राउंड नोज सीजर है। सीजर जो है मेटेरियल को छीलने में काम आता है, इसको अपन कहते हैं सीजर। ये हेक्सा है आपका, हेक्सा में ये आपका फिक्स है, मतलब जो है फिक्स फ्रेम, फिक्स है इसका तो फिक्स है। एक होता है इसके अंदर एडजस्टेबल, एडजस्टेबल हेक्सा में क्या होता है, यहाँ पे आपके वो थोड़ा राउंड पार्ट में होता है और राउंडेड राउंड होती है उसके अंदर, उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं साइज के हिसाब से, छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो एडजस्टेबल हेक्सा होती है। ये आपका फ्लाई नेट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फ्लाई नेट कहलाता है। इस फ्लाई नेट की सहायता से अपन उसको टाइट करते हैं, यहाँ आपका हेक्सा ब्लेड लगा देते हैं, ये आपका हेक्सा फ्रेम कहलाता है, ये आपका हत्था है।
इसमें जो है आपका फाइव ब्लेड लगा देने के बाद में अपन इसकी सहायता से अपन इसको टाइट कर देते हैं। तो ये आपका हेक्सा पेन है। जब अपन हेक्सा पेन के अंदर आपका जो ब्लेड को टाइट करते हैं तब अपन थोड़ा ध्यान सावधानी क्या रखते हैं, उसके जो दांतों का डायरेक्शन होता है वो आगे की ओर रहना चाहिए झुका हुआ। कटिंग करते टाइम में आप जो मटेरियल आपके पैर पे ना आकर के आगे जाए, तो ये अपन जब अपन इसमें जो ब्लेड को टाइट करते हैं तब इस चीज को अपने ध्यान रखा जाता है। ड्रिल, ड्रिल का मेन अगर क्लासमेन ले तो पहले तो अपन ले टेपर शेंक और स्ट्रेट शेंक। ये जो ड्रिल दिख रहा है आपको स्ट्रेट शेंक ड्रिल है। टेपर शेंक जो ड्रिल होता है उसके अंदर टेपर होता है जिसको कि अपन स्लीव के अंदर लगा सकते हैं, और ये आपका स्ट्रेट शेंक वाला है। इसके अंदर ये फ्यूट्स है, इसके ये जो है आपके फ्यूट्स है, और यहाँ जो होता है ये एंगल कहलाता है इसका, ये आपका कटिंग एंगल है। नॉर्मली जो अपन स्टील के लिए 118 डिग्री जो आपका एमएस वगैरह है उसमें 118 डिग्री का एंगल अपन काम में लेते हैं। ड्रिल जो ड्रिल है वो तो आपकी होल करने में काम आता है, ड्रिल तो आपका होल करने में काम आता है। अब रीमर जो होता है, रीमर के अंदर दांते क्यों यहाँ होते हैं, इसमें ड्रिल में तो पॉइंट यहाँ है, ये कटिंग पॉइंट ये है, कटिंग एज ये है, जबकि रीमर में कटिंग एज यहाँ पे होती है। और रीमर क्या करता है, केवल आपके होल को, जो रीमर है रीमर केवल होल को बहुत ही फिनिश साइज बनाने के लिए काम करता है, मतलब बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करता है, मतलब केवल बहुत ही अपने स्मूथ जो है अपनी कटिंग करनी होती है या बहुत ही कम कटिंग करनी होती है, मतलब सही साइज में लाना होता है उसके लिए रीमर काम में लिया जाता है। मतलब उसके अंदर जो है रीमर के अंदर ये खड़े दांते हो सकते हैं, आपके टेपर में दांते हो सकते हैं, लेकिन ये जो है इसमें तो कटिंग एज ये है, स्टार्टिंग कटिंग एज ये है, बाद में फ्यूट्स के साथ में कटिंग एज लगी हुई है। ये तो क्या है कि पूरा होल करने का काम आता है, ये तो हो गया ड्रिल। और रीमर केवल क्या है, ड्रिल्ड होल को बहुत ही स्मूथ जो अपने फाइनल साइज में लाना होता है उसके लिए अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है प्लायर्स। प्लायर जोक को या कार्डबोर्ड को पकड़ने में या कटिंग करने में काम आता है। अब इसमें प्लायर्स भी कई प्रकार के प्लायर्स हैं। प्लायर्स में अपन लें तो सबसे पहले लें अपन कॉम्बिनेशन प्लायर, ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है। अब इसको कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि ये कई सारे फंक्शन एक साथ करता है, कई सारे फंक्शन काम करने में एक साथ करता है। कि जैसे ये है यहाँ का ये पार्ट है, ये पकड़ करता है, ये किसी भी जो है फ्लेट पार्ट है, जैसे ये आपका फ्लेट पार्ट है उसको पकड़ने में काम आएगा, एक पार्ट ये होगा। दूसरा राउंड पार्ट को पकड़ना आपको, ग्रिपिंग करना राउंड पार्ट की, तो ये आपका राउंड पार्ट को ग्रिप करेगा यहाँ से, ठीक है ना, ये राउंड पार्ट को ग्रिप करने में काम आएगा। तीसरा ये कटिंग के काम आता है, ये आपका कटिंग करता है, ये वाला जो पार्ट है किसी को काटना है तो ये उसको काटेगा, जैसे आपका कटिंग करना है तो ये पार्ट आपका काटने में काम आएगा, उसको काटेगा। चौथा यहां से इसमें छोटे अगर वायर है जिसको छीलना है या काटना है तो ये यहां पर वायर लगाएंगे, ये जो पार्ट है आपका यहां दिख रहा है उसके अंदर अपन लगा करके उसको काट सकते हैं या छील सकते हैं। यहां जो आपको गेप दिख रहा है ना, ये वाला गेप, तो ये आपका चार फंक्शन एक साथ कर सकता है, प्लेट चीज को पकड़ सकता है, राउंड पार्ट को पकड़ सकता है, कटिंग कर सकता है, और यहां छील भी सकता है और कटिंग भी कर सकता है। तो इसलिए इसको इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसके अंदर देखो ये जो है आपका इंसुलेटेड रहता है, इंसुलेटेड रहने से आप अपने इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो उसमें भी आपको सेफ्टी रहता है, तो ये पार्ट आपका इंसुलेटेड रहना चाहिए। नोज प्लायर, नोज नेक्स्ट लें अपन। नोज प्लायर कई चीज के गहराई में जाकर के अपने को कसनी होती है, निकालना होता है, तो उसके लिए अपन नोज प्लायर काम में लेते हैं। तो नोज प्लायर के अंदर नोज की जैसी आकृति बनी हुई है, इसके अंदर भी आपका कटर भी, कटिंग प्लायर भी है। तीसरा इसी में लें अपन, तो ये है आपका कटिंग प्लायर, ये आपका कटिंग प्लायर है, ये भी आपका कटिंग करने के काम में आता है, जैसे किसी को काटना है तो ये आपको कटिंग करता है, ये आपका कटिंग प्लायर है जो कि जिसके अंदर ये कटर लगा रहता है। प्लायर के अंदर अपन चौथे प्रकार का देखें तो ये स्लिप जॉइंट प्लायर या मल्टी ग्रिप प्लाइन, मल्टी ग्रिप जो क्या है, जो अलग अलग ग्रिप है, कई जगह ग्रिप है, अपने वो फास्ट अगर ग्रिपिंग करना है, फास्ट पकड़ करना है, तो उसके अंदर अपन इसमें ये इस प्लायर का अपन काम में लेते हैं, जिसको अपन ने मल्टी ग्रिप या स्लिप ज्वाइंट प्लायर। तो ये जो है आपका प्लायर का ही प्रकार है। नेक्स्ट है आपका वायर स्ट्रिपर या कटर, ये आपका वायर स्ट्रिपर भी है और ये आपका कटर भी है, कटर और वायर स्ट्रिपर ये दोनों कटर और वायर स्ट्रिपर है। अब देखो इसमें कैसे वर्किंग करते हैं, कि जैसे अपने को काटना किसी चीज को, तो काटने के लिए अपने लिया और ये कटिंग कर देगा इसको, छीलना है तो इसको अपन ने पूरा नहीं काटा और इसको अपन ने छीलने के काम में ले लिया, मतलब इसको थोड़ा सा जिसका प्लास्टिक वाला पार्ट है उस तक अपन ने इसको डेप्थ दिया और बाद में इसको बाहर खींच दिया, तो इस प्रकार ये काम करेगा। इसी में जब इसको रखना होता है तो इसको अपन लॉक करके रखते हैं, यहाँ पे आपको इसको लॉकिंग है तो ये बंद करके रखें ताकि इसकी एजेज वगैरह खराब नहीं होती है। टेप सेट,
टेप सेट में होता क्या है, क्या काम करता है? तो टेप सेट है आपका जो इंटरनल थ्रेड का कटिंग करनी होती है, तो उसके लिए अपन टेप सेट काम में लेते हैं। और डाई सेट जो एक्सटर्नल आपको टेपिंग करनी होती है, एक्सटर्नल जो थ्रेड काटना होता है, इंटरनल थ्रेड तो करते हैं अपन टेप से और एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं अपन डाई से। अभी कैसे होते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। और ये आपका पूरा टेप और डाई सेट दिख रहा है आपको, टेप और डाई सेट है। देखो इसके अंदर तीन प्रकार के टेप होते हैं, एक होता है रफ, फिर सेमी फिनिश और फिर फिनिश, है ना। तो इसमें तीन टेप होते हैं, मैं तीनों को बताता हूँ आपको। जैसे एक स्टैंडर्ड साइज होता है ये आपका, जैसे ये है फर्स्ट, जो पहला जो टेप है ये अपन टेपिंग करेंगे। इसके अंदर देखो आप यहाँ थोड़ा थोड़ा सा थ्रेड दिख रहा है। इसके बाद में जब आप सेकंड वाला जो होगा, जिसके अंदर आपके थ्रेड्स की और गहराई बढ़ जाएगी, और जो फाइनल होगा उसके अंदर पूरे में थ्रेड सेट तक दिखेगी। एक मैं फाइनल आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर फाइनल टेप आपका, ये जैसे फाइनल टेप है इसका, ये पूरा टेप अगर चल जाएगा तो वो फाइनल उसमें हो जाएगा। अब इसको अपने ऐसे तो कटिंग नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या होता है, टेप के साथ में ये हैंडल होता है जिसको बोलते हैं टेप हैंडल, इसको बोलते हैं अपन टेप हैंडल। टेप हैंडल के अंदर अपन इसको लगा करके अपन वर्किंग करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो आप, वो भी बता देता हूँ। ये टेप हैंडल है, इसके अंदर आप ये जो है इसको दिख रहा है आपको बोल्ट टाइप है जो आगे पीछे हो सकता है, इसके अंदर आप इसके जो हेड है इसको अपन लगा देंगे और इसको फिक्स करके इसमें फिक्स हो जाता है, और फिर अपन जो है टेपिंग कर लेते हैं। उससे अपन किसी भी जो कार्यखंड है उसके अंदर आंतरिक चूड़ी अपन उसमें काट सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेप सेट, जिसके अंदर आपका हैंडल है और ये टेप है। तीन प्रकार के टेप अपने को चलाने पड़ते हैं उसमें कटिंग करने के लिए। डाई सेट, डाई सेट ये क्या है, डाई सेट है जो कि आपको एक्सटर्नल थ्रेड काम में काटने में काम आता है। ये डाई हैंडल है और इसके अंदर ये डाई लगी हुई है, ये डाई इसके अंदर लगी हुई है। किसी भी जॉब के अंदर अपन ने अगर काटना है, स्टैंडर्ड जो भी साइज होती है, कभी कितने साइज का अपन ने डायमीटर है उसके ऊपर काटना है, तो वो अपने स्टैंडर्ड डाई होती है, आपको स्टैंडर्ड थ्रेड होती है। जैसे आपने कौन सी थ्रेड की काटनी है तो वो अपन डाई लाते हैं और उसको अपन ने डाई सेट के अंदर लगा करके, ये डाई सेट है आपका, हैंडल है डाई सेट का, इसके अंदर लगा करके अपन चूड़ी उसके ऊपर कटिंग करते हैं। जैसे आपने किसी चीज पे कटिंग करनी हो, सपोज करो ये कोई पार्ट है इसके अंदर कटिंग करनी है, तो आप इसको इसके अंदर रखेंगे और इसको आप धीरे धीरे अपन घुमाते हुए इसके अंदर कटिंग करते हैं। तो ये आपने देखा कितने प्रकार की जो आपको लगेंगे अपने सामने आते हैं, कटिंग टूल्स अपने देख लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं असेंबली टूल्स। असेंबली टूल्स में कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं, नॉर्मली जो कार्यखंड को अपने जोड़ने में काम आने वाले जो टूल है वो कहलाते हैं असेंबली टूल। उसके अंदर अपन ले वाइस है, प्लायर है, अपने प्लायर अपन देख लिया, हैमर्स है, मैलेट्स है, आपका स्पिनर्स है, स्क्रू ड्राइवर है, फिर ले अपन जो पाइप रिंच है, टी सॉकेट्स है, एडल की है, ये सब जो है आपके असेंबली ड्राइंग असेंबल जो है असेंबल करने वाले टूल्स है। अब देखते हैं वाइस में अपन ले, ये आपका बेंच वॉइस है, इस बेंच वॉइस में ये जो है हैंडल है, ये आपका स्पिंडल जो ये घूम रहा है ये आपका स्पिंडल है, और ये आपका मूवेबल जार है, ये आपका मूवेबल जार है, ये आपका फिक्स जार है, ये इसकी बॉडी है, ये आपके बेंच, एक्चुअली इसको बेंच वॉइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बेंच के ऊपर सेट किया होता है, बेंच वॉइस कहलाता है। ये जो आपका मूवेबल जो जार है ये यहाँ पे एक बॉक्स नट होता है, इसके अंदर जो आपका बॉडी है इसके अंदर एक बॉक्स नट होता है, उस बॉक्स नट के अंदर आपका ये जो मूवेबल जार है आगे पीछे चलता है। इसके जो स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर आप थ्रेड नहीं देख पा रहे, लेकिन जो थ्रेड होती है या तो होती है स्क्वायर थ्रेड या होती है एक में थ्रेड। अब स्क्वायर जो थ्रेड होती है, जैसे ये स्क्वायर थ्रेड का क्या नुकसान है कि जैसे अपन ने इसको टाइट कर दिया या जैसे अपन आगे जा रहे हैं, उसमें आगे जाने के बाद में इसको अपन ब्रेक लेते हैं या आगे बेचते हैं, तो ये थोड़ा इसमें मूवमेंट रहता है, इसमें जो है थोड़ा लूजनेस रहती है। इसी की तुलना में अगर इसी के बजाय अगर अपन इसमें एक में थ्रेड काम में लेते हैं स्पिंडल में, तो ये जो स्लेकनेस है, ये जो स्लेकनेस दिख रही है आपको, वो स्लेकनेस उसमें नहीं रहती। तो ये बेंच वॉइस क्यों नाम दिया इसका, क्योंकि इसको बेंच में फिट करते हैं। जैसे बेंच वॉइस होती है वैसे ही मशीन वॉइस होती है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है कि मशीन वॉइस को क्योंकि मशीन है, जैसे आपका ड्रिल मशीन है या आपका मिलिंग मशीन है, उसके ऊपर अपन टाइप करके रखते हैं, वो मशीन वॉइस कहलाती है। फिर ले अपन हैंड वॉइस, ये आपका हैंड वॉइस है जो छोटे छोटे कार्यखंड है उनको पकड़ने के लिए। अभी अपन ने उसमें देखा था कि ये जॉब कहलाते हैं जहाँ के अंदर अपन कार्यखंड को पकड़ते हैं, ये छोटे छोटे जो अगर जो है कार्यखंड है उन छोटे कार्यखंडों को पकड़ने के लिए अपन इसके अंदर अपन जो है हैंड वॉइस काम में लेते हैं, ये आपका हैंड वॉइस है। हैंड वॉइस के बाद में है लेग वॉइस। लेग वॉइस क्या है कि बड़े जॉब को अगर पकड़ने हो, बड़े भारी भरकम जॉब पकड़ने हो, तो जैसे अपने लुवारी खाना जिसको कहते हैं अपन ब्लेक स्मिथी,
तो ब्लेक स्मृति में बड़े बड़े जो कार्यखंड होते हैं उनको पकड़ने के लिए अपन लेते हैं लेग वॉइस। लेग वॉइस भी लगभग लगभग आपका जैसे हैंड वॉइस है ना वैसा ही होता है, लगभग शेप ऐसा ही होता है उसका लेग वॉइस का। लाइट अपन ने ले ली, अब देखते हैं अपन हैमर्स। हैमर के स्ट्राइकिंग टूल है, हैमर क्या है चोट मारने के काम आने वाले, कौन कौन से हैमर मेनली अपन देखते हैं कौन कौन से हैं, बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। तीन तो ये हो गए पिन के आधार पे, पिन के आधार पे तो तीन प्रकार के बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। और फिर अपन लेते हैं तो स्लेज हैमर और क्ला हैमर। अब स्लेज हैमर तो क्या होता है, बड़े बड़े भारी जो काम करने होते हैं उसमें काम में लेते हैं स्लेज हैमर, जैसे ब्लेक स्मृति वगैरह जो है यहाँ पर अपन लोहे में बहुत सारी चोट लगाने होती है उसके लिए अपन लेते हैं काम में स्लेज हैमर। और क्ला हैमर, क्ला हैमर क्या होता है कि जैसे किसी चीज को बाहर निकालना होता है उसमें एक जो है जबड़ा सा बना होता है, उस जबड़े की सहायता से अपन किसी चीज को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे ऐसा उसके अंदर होता है, जैसे अगर कील वगैरह को निकालना है तो भी अपन उससे बाहर निकाल सकते हैं। क्ला हैमर कहलाता है, ऐसा एक हैमर का जो है एक साइड का जो सिरा होता है ऐसा होता है, दूसरी साइड में तो प्लेट होता है और एक साइड में आपका ऐसा पार्ट होता है, उसी और देखेंगे इसका। अब देखते हैं बॉल पेन हैमर क्या होता है। बॉल पेन हैमर ये आपका बॉल पेन हैमर है, इसके अंदर ये सिरा तो ये प्लेट रहता है, ये आपका बॉल के जैसा होता है, इसमें ये जो पार्ट है ये चिक कहलाता है, ये हैंडल है, ये आपका पिन है। ये पिन के हिसाब से तीन प्रकार का हुआ, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन। दूसरा हैमर है इसके अंदर आपका क्रॉस पिन, ये क्रॉस पिन हैमर है। क्रॉस पिन हैमर इसके अंदर जो आपका जो ये पिन है इसका क्या है क्रॉस रहता है, किसके क्रॉस, हैंडल के क्रॉस में, हैंडल के अगर क्रॉस में है तो उसको कहते हैं क्रॉस पिन हैमर। अब इसी प्रकार अगर स्ट्रेट पिन है तो स्ट्रेट पिन हैमर में ये जो क्रॉस दिख रहा है आपको यहां जो इसके हैंडल के क्रॉस में दिख रहा है वहां स्ट्रेट पिन में ये सीध में होगा, ये जो पिन है आपकी सीध में रहेगी, तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रेट पिन हैमर। तो एक क्लासिफिकेशन तो हुआ आपका पिन के आधार पर, दूसरा क्लासिफिकेशन लेते हैं अपन इसके मास के आधार पे, अगर मतलब इसके वेट के हिसाब से, तो जो है जो छोटा जो है वेट के हिसाब से, तो वेट के हिसाब से अपन छोटे कार्य करने होते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे हैमर काम में आते हैं, पौंड के हिसाब से जो है आधा पौंड का है, 1 पौंड का है या 1 पौंड का है। और जो बड़ा जो हैमर होता है उसको होते हैं स्लेज हैमर, ये बड़े हैमर होते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका मेलट। मेलट क्या होता है कि जैसे अपने हैमर तो क्या होगा लोहे के काम कार्यखंड के काम करने में काम आ गया, या जो भी आपके हार्ड वस्तु उसमें काम कर, जो सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल यानी कि ब्रास वगैरह हुआ या आपके प्लास्टिक के मेटल हुए उन पे अगर अपन उस हैमर से अगर वर्किंग करेंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी। तो ब्रास वगैरह की मेटल की असेंबली करनी है तो उसके लिए अपन या तो लकड़ी का हैमर काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं मेलट, या लेते हैं प्लास्टिक का हैमर। तो जहां जो आपका बॉडी का उसकी स्टील की हो सकती है उसके ऊपर जो है प्लास्टिक के बॉडी लगी हुई है उसके ऊपर जो है फिटिंग करके या फिटिंग पिटाई करके अपन किसी कार्यक्रम को असेंबल करते हैं, तो वो है मेलट। मेलट होता है प्लास्टिक के या लकड़ी के होते हैं। नेक्स्ट आपका है स्पिनर। स्पिनर जिसको होता है अपन पाना। स्पिनर क्या काम आता है, जैसे नट बोल्ट को खोलने टाइप करने में काम आता है, असेंबली भी हो गया। सबसे पहले अपन डी स्पिनर बता रहा हूँ मैं, जैसे आपको डी का मतलब होता है पूरा नाम डबल एंडेड स्पिनर। अब स्पिनर को अपन जो है स्पिनर का जो है यहाँ पे आपको मार्किंग दिखती है या लिखा होता है, या तो ये होगा इंच में या होगा मिलीमीटर में। अब जैसे ये अपन देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है 3/4 और ये लिखा हुआ है 5/8। अब 5/8 या 3/4 का मतलब क्या होगा, 5/8 यानी कि ये है आपका 5/8। 5/8 मतलब 5 फुट इसकी चौड़ाई है, 1 इंच का 5/5 पांच भाग इसका जो है इसकी चौड़ाई है, 5 फुट का स्पिनर है। ये है 3/4 है, 3/4 का मतलब है ये 6 फुट का, 6 फुट इसमें लिखा 3/4 का मतलब 4 इंच, 4 इंच आपका यहाँ से खुल सकता है। 3/4 का मतलब हो गया 1 इंच का 3/4 पार्ट यानी 4 इंच। तो ये कहलाता है आपका डीई स्पिनर। अगर इसी में आपका सिंगल एंडेड हो तो एक साइड ही रहता है एंड, एक साइड में फ्री रहता है, वो कहलाता है सिंगल एंडेड स्पिनर। ये है आपका रिंग स्पिनर। रिंग के शेप के अंदर इसके अंदर जो है बना होता है, इसी के अंदर आपके जो पॉइंट्स बने हुए ये आपको जो है बोल्ट को पकड़ लेंगे, ग्रिप कर लेंगे और इसी से अपन खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इसके अंदर भी वही जैसे अपन ने देखा था, या तो एमएम में होगा या आपके इंच के अंदर यहां लिखा होगा साइज। बॉक्स स्पिनर कैसा होता है, देखो ये बॉक्स स्पिनर है, बॉक्स के अंदर जो है ये इसमें तो रिंग कटी हुई है, बॉक्स स्पिनर में बॉक्स से बने रहते हैं और बॉक्स को अपन जो है बॉक्स के अंदर जो है आपको बोल्ट का या नट का हेड पार्ट पकड़ करके उसको खोलते हैं। एडजस्टेबल स्पिनर देखो ये तो फिक्स हो गए, वो फिक्स स्पिनर हो गए, कौन सा डी और जो सिंगल
एंडिंग स्पिनर, ये सब तो क्या हो गया, फिक्स स्पिनर हो गए, एक निश्चित साइज में काम आ पाएगा। तो अपने वो क्या है, मल्टीपर्पज है, ये मल्टीपर्पज स्पिनर है जिससे अपन अलग अलग साइज के जो है साइज के जो भी नट बोल्ट है जिनकी हेड की साइज अलग अलग है उनको अपन एक ही स्पिनर से अपन खोल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा इसका नुकसान क्या है कि ये थोड़ा स्लिपिंग कर सकता है तो हेड खराब हो सकता है, इसलिए अगर अपने को फिक्स यूज ही करना है तो फिक्स स्पिनर ही ज्यादातर अपन काम में लेते हैं, नहीं तो अपनी आवश्यकता पूरी करता है। अगर अपने पास साइज नहीं बैठ रहा है तो उस समय ही अपन इसको लेकर के अपन काम कर लेते हैं और ये आपका इससे मूव कर सकते हैं, अपन इसकी साइज को आगे पीछे कर सकते हैं। आपका है स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर ये आपका स्क्रू ड्राइवर है जो कि स्क्रूज को खोलने में काम आता है। एक सिरा ये है और एक सिरा आपका ये है, ये आपका फिलिप स्क्रू ड्राइवर है, फिलिप स्क्रू ड्राइवर ये जो मतलब मैंने ऐसा लगा दिया कि फिलिप स्क्रू ड्राइवर होगा जिसमें जो फोर पॉइंट लगे ना, तो ये भी आपके काम आता है, इसमें स्क्रू ड्राइवर है और इसमें मतलब एक स्क्रू ड्राइवर में ये दोनों आपकी वर्किंग कर सकते हैं। पाइप रिंच, पाइप रिंच पाइप को कसने या खोलने या टाइट करने में जो है पाइप रिंच काम में आती है। ये देखो इसमें क्या करना है, इसका पाइप रिंच को कहते हैं, ये पाइप की ग्रिप अच्छी तरह से ग्रिपिंग करके पकड़ सकता है, ये पाइप रिंच है, इसको अपन जो वर्किंग करेंगे तो ऐसे ही खोलेंगे, नॉर्मली ऐसे नहीं खोलने के बजाय इस प्रकार अपन घुमाएंगे, ये पाइप रिंच आपका है। टी सॉकेट स्पिनर एक प्रकार का स्पिनर होता है, ये टी सॉकेट में क्या होता है, देखो ये जैसे आपका रिंग स्पिनर देखा था ना वैसे इसमें रिंग के जैसे स्पिनर के जैसे बने होते दांत, और ये टी के जैसे शेप में होता है जिसमें अपन गहराई में जाकर के जैसे अगर कोई नट बोल्ट किसी गहराई के अंदर है उसको अपन जो है सिंगल स्पिनर या रिंग स्पिनर वगैरह लगा करके अपन नहीं खोल सकते, उस केस में अपन टी स्पिनर काम में लेते हैं। एलन की, एलन की ये जो है कि जो बोल्ट एलन हेडेड बोल्ट होते हैं जिनके अंदर ग्रूव होता है उनको खोलने के लिए आपको एलन की काम में लेते हैं। एलन की के ऊपर भी आपके यहाँ लिखा होता है कि किस साइज की वो एलन की होती है, यहाँ पे इसके ऊपर मार्किंग होता है। अगर आपको अच्छा लगा है आपने हैंड टूल्स का सेकंड पार्ट भी देखा अच्छा लगता है तो आप जो हमारे चैनल जो आईटी एकेडमी है उसको आप सब्सक्राइब करें, आप उसको लाइक करें और उस पर बेल आइकन को आप दबा के रखें, बेल आइकन को ओपन रखें ऑल पे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक्स।